गौतम बुद्ध नगर के कमिश्नर आलोक सिंह जी ने सभी मुस्लिमों से अपील की है कि वो जुमे की नमाज अपने घर पर पढ़ें, कहीं पर सामूहिक रूप से इकट्ठा ना हो ना एकत्र हो, लॉकडाउन का पालन करें और सभी अपने घरों में नमाज पढ़ें। अपने अपने घरों में जुमा की नमाज अदा करेंगे और सभी मुसलमानों से गुजारिश है कि इस हुकूमत के ऐलान का पालन करें और छत और अपने अपने घरों के छतों में भी नमाज अदा न करें बल्कि घर के अंदर नमाज अदा करें। हजरात जरूरी ऐलान समाप्त कीजिए कि इस मस्जिद में जुमा की नमाज कल अदा नहीं हो पाएगी, लिहाजा अपने अपने घरों में नमाज अदा करें और वो भी घर के छत के ऊपर नहीं होगी, अपने अपने घरों के अंदर नमाज अदा करें। ये हुकूमत मौजूदा हुकूमत का ऐलान है, आप इस ऐलान का पालन करें। आप हजरात ये ऐलान सुन करके और कानून पर अमल करें। जरा गौर से सुने, कल जुमा का दिन है इसलिए आप सभी मुस्लिम भाई से गुजारिश की जाती है कि जुमा की नमाज के लिए मस्जिद में ना आए और ना ही अपने अपने छतों पर जमात का इंतजाम करें, बल्कि अपने अपने घरों में एक एक आदमी नमाज अदा करें। एक जरूरी ऐलान, कल जुमा का दिन है, जुमा की नमाज के लिए कोई भी शख्स मस्जिद में ना आए और उसके बाद अपने अपने घरों की छत पर भी जमात का इंतजाम ना करें, भीड़ भाड़ इकट्ठा ना करें। शुक्रिया। इस ऐलान को सभी भाई बहन से सुने, कल बरोज जुमा आपकी मस्जिद में नमाज नहीं होगी, आपसे हमारी गुजारिश है कि अपने घरों में रहकर ही नमाज पढ़ें और घरों में भी ज्यादा आदमी इकट्ठे ना हो, बल्कि जोहर की नमाज आप अदा करें। ये ना हो कि छत पर पढ़ें, आप चौड़े में पढ़ें, खुले में पढ़ें, अपने घरों में एक एक दो दो आदमी तक ही नमाज पढ़ें, ना अपने घरों में ज्यादा आदमी इकट्ठे करें न मस्जिद में आदमी इकट्ठे होंगे। आपसे हमारी मौत दुबारा गुजारिश है कि जब तक हमारी गवर्नमेंट की तरफ से कोई अनाउंस नहीं आ जाता है, उस वक्त तक आप नमाजों को, जुमा हो या कोई भी नमाज हो, अपने घरों में ही अदा करें। शुक्रिया।